हमारे राजस्थान में 2010 से नवजीवन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अवैध शराब में के कार्य में लुप्त महिलाओं व व्यक्तियों के लिए तैयार की गई है। अवैध शराब बनाना राजस्थान में XIEH कानून के अंतर्गत रोक है। आपकी क्या मजबूरी थी जो आप शराब का काम करते थे? पालन के पोल में बच्चा बच्चन की धंधो करते वैसे पूर्ति यादी बच्चा बच्चन की। जब आप शराब बनाती तब आपको कैसा लगता था? आपको शराब बनाने का काम बुरा लगता, फिर भी आप पेट के भोजन भी का करना पड़ता था। आपको प्रशिक्षण के बारे में कैसे पता चला? कुछ महिला लेडीज आती है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया। अवैध शराब के कार्य में लुप्त महिलाओं ने सोचा कि हम प्रशिक्षण लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, परंतु प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं निराश हो गई। निराशा का कारण था कि महिलाओं को जो वादा किया गया सिलाई मशीन देंगे, हजार हजार रुपए देंगे, वो कुछ नहीं मिला। सरकार ने जब आपको ये प्रशिक्षण दिया तो उन्होंने और किस किस चीज के लिए आपको बताया था? उन्होंने मशीन की कहा था कि भाई एक मशीन दिलाएंगे और जो भी है दो दो हजार रुपए लोन वगैरह ले सकते हो आप। तो वो आपको क्यों नहीं दिया गया? आपने बात नहीं की किसी से? की थी, हम एक दो बार डीओ ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास गए थे दो तीन बार, तो उन्होंने कह दिया भाई मिलेगा। 10 रुपया लगा के जाते, 10 रुपया लगा के आते, परेशानी बरसात में भेजते आते। जबकि सरकार से 10 लाख रुपए का बजट आ गया है और फिर भी महिलाओं को आज तक भी नहीं मिला है। यदि आपको मशीन मिल जाती तो आपको इसके जरिए क्या कर सकते? मशीन के जरिए तो अपना खुद का सोमवार सिलाई वलाई ये सब। यदि आपको मशीन मिल जाती तो उसके जरिए आप क्या कर सकते थे? करते ही मिलती थी, वैसे लगी तो रहती कुछ रुक जा रहा है। अब क्या करती हो आप फिलहाल? अब कुछ करते, दारू बेचते। आज भी इन परिवारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। महिलाएं शराब बनाती तो नहीं है लेकिन बेचने का काम आज तक भी करती हैं। इसलिए राज्य सरकार अपनी योजनाएं लागू कर दिए तो उन योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए, वह राज्य सरकार के उद्देश्यों को पूरा होना चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड के लिए।